सबसे अहम और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। अब तक 55.80% मतदान हुआ है। अमेठी में 52.68%, बाराबंकी में 64.38%, यानी अब तक के जो फिगर्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जालौन में 53.73%, लखनऊ में कम वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला है अब तक 49.48%, कैसरगंज में 53.92%, बांदा में 64.38%, झांसी में 61.18%, रायबरेली में 56.26%, फैजाबाद में 57.36%, फतेहपुर में 54.56% और गोंडा में 50.21%, हमीरपुर में 57.83%, कौशाम्बी में 50.65% और मोहनलालगंज में 60.1%। तो कुल मिलाकर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, जो ताजा आंकड़ा हमें बता रहा है वो ये कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक लगभग 56% मतदान हो चुका है। 55.80% मतदान हुआ है उत्तर प्रदेश में। लगभग 56% लोगों ने पांचवें चरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब लोकसभा क्षेत्र वाइज भी आप जान लीजिए, अमेठी में लगभग 53% मतदान हुआ है, बाराबंकी में लगभग 64%, जालौन में लगभग 54%, लखनऊ में लगभग 50%, कैसरगंज में 54% के आसपास वोटिंग हुई है, तो बांदा में भी 64% के आसपास मतदान हुआ है, झांसी में 61% के करीब पोलिंग हुई, तो रायबरेली में लगभग 56% के आसपास मतदान हुआ। और चलिए अब आपको एक एक करके लोकसभा क्षेत्र वाइज बताते हैं कि अभी तक कितने परसेंट मतदान की खबर आई है। वो बात और है, 5 बजे तक वोटिंग होती है और उसके बाद जो लोग लाइन में लगते हैं अब केवल वही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले 5 बजे तक कितना मतदान हुआ है, बाराबंकी में लगभग 65% के आसपास मतदान हो चुका है, आपकी स्क्रीन पर वो आंकड़ा सामने है। 5 बजे तक कहां कितना मतदान हुआ, झांसी में लगभग 61% के आसपास पोलिंग हुई है, 61.18% के आसपास लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो मोहनलालगंज का भी आंकड़ा आप देख लीजिए, लगभग 60% लोगों ने यहां पर वोटिंग की है। इस बीच कुछ जगह ऐसी भी उत्साहित करने वाली रही कि किसी किसी बूथ पर 100% मतदान हुआ। लेकिन इसके अलावा लोकसभा क्षेत्र जो बनता है उसमें रायबरेली की बात करें तो 56.26% मतदान रायबरेली में हुआ है, हॉट सीट रायबरेली, राहुल गांधी खुद मैदान में है यहां से। बांदा में लगभग 58% मतदान हुआ है, 57.38% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। पांचवें चरण के लिए वोटिंग चल रही है। इस बीच फतेहपुर से खबर आई है कि यहां शाम 5 बजे तक लगभग 55% वोटिंग हुई है यहां का आंकड़ा। और जालौन की बात की जाए तो 53.73% मतदान हुआ है, यानी लगभग 54% के आसपास यहां पर वोटिंग हो चुकी है। कैसरगंज में भी लगभग 54% के आसपास ही वोटिंग हुई है, 53.92% यहां से फिगर हमको मिल रहा है वोटिंग का। और अमेठी हॉट सीट, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री खुद मैदान में है, लगभग 53% वोटिंग यहां पर हो चुकी है, 52.67% का डेटा हमको यहां से प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा गोंडा की बात की जाए तो यहां भी 50% से ज्यादा पोलिंग हुई है, 50.21% मतदान की खबर है। कौशाम्बी में भी लगभग 50% वोटिंग हुई है, 50.65% यहां का डेटा है। एक एक करके आपको जिन 14 सीटों पर आज चुनाव हो रहे, लखनऊ में 49.88% यानी लगभग 50% के आसपास वोटिंग हुई है। और इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके उनके पास चलते हैं और अपडेट उनसे लेते हैं। सबसे पहले कौशाम्बी का रुख करेंगे, सर्वेश दुबे हमारे साथ कौशाम्बी से है। सर्वेश, आप ही से जानना चाहेंगे कि कौशाम्बी का जो आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ है, ओवरऑल यूपी में लगभग 55% के आसपास अभी वोटिंग हुई है क्योंकि लाइनें अभी लगी हुई हैं, कौशाम्बी में आप इस आखिरी दौर में कितनी लंबी कतार आप देख पा रहे हैं, कहां तक जा सकता है ये एवरेज पोलिंग? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कौशाम्बी की अगर बात करें तो शाम 5 बजे तक 50.65% मतदान हुआ था और यहां पर अभी 1 घंटे का जो मतदान था उसके आंकड़े करीब 1 घंटे बाद फाइनल जारी कर दिए जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरातू में एक बूथ पर, यह हौली उच्च प्राथमिक विद्यालय हौली पर है, यहां पर 5 बूथ बनाए गए थे और ये पिंक बूथ भी है, तो यहां पर अब कोई लाइन नहीं है, अब इसको पैक करने की तैयारी की जा रही है, जो ईवीएम मशीनें हैं उनको बंद करने की तैयारी की जा रही है। तो यहां पर अंतिम सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी घर यहीं पर है, यहां से चंद कदम दूरी पर है, तो ये उन्हीं का क्षेत्र है और इसके साथ
साथ आपको बताएं कि आज वोटिंग बहुत अच्छी नहीं यहां पर कही जाएगी। हालांकि गर्मी बहुत थी, 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर था और उस टेम्परेचर की वजह से लोग सुबह के वक्त तो निकले लेकिन दोपहर को बूथों पर सन्नाटा पसर गया। उसके बाद फिर से शाम को 4 बजे तमाम लोग निकले और उन्होंने वोट किया। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये परसेंटेज 55% के आसपास ही जा सकता है, यानी कि कौशाम्बी जिला, कौशाम्बी ये जो पार्लियामेंट्री सीट है ये फर्स्ट डिवीजन पास नहीं हुई। इस सीट के अगर बारे में बात करें तो करीब 19 लाख मतदाता है जिनमें से 10 लाख पुरुष, करीब 9 लाख मुस्लिम यहां पर मतदाता हैं और यहां पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समेत कुल 10 प्रत्याशियों का भाग्य आज ईवीएम में कैद हो गया है जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। बात करें तो इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर और इसके अलावा गठबंधन की ओर से सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि पूरे जिले में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान आज संपन्न हुआ है, ये बड़ी राहत की बात है। कुछ जगहों पर इस बात की सूचना सुबह आई थी कि ईवीएम मशीनें खराब थी, उनको तुरंत निर्वाचन अधिकारी ने बदलवा दिया, उसके बाद मतदान सुचारू रूप से चला। कुछ जगहों पर अभी ये सूचना जरूर है कि वहां पर अभी लाइनें लगी हैं, लेकिन हर जगह पर जो 6 बजे तक मतदान तो अभी लाइनें लगी हुई हैं और असल डेटा जो है वो शाम 7 से 7:30 के बीच में सामने आएगा। नजर बनाए रखिए, जानकारी के लिए शुक्रिया। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम ने मुंबई में अपना वोट डाला है। इस बीच जो देश में वोटिंग हो रही है 5वें चरण में उसकी तस्वीरें हमें मिल रही हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। आपकी सुनवाते हैं। तो बीजेपी के जाने माने प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र में भी आज वोटिंग हो रही है, उन्होंने मुंबई में वोट डाला है और क्या कहा आपको सुनवाते हैं। डेमोक्रेसी का जो बिगेस्ट फेस्टिवल होता है, जो सबसे बड़ा पर्व होता है, आज उसको मनाया जा रहा है। मेरा ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लोग आज यहां पर वोट दे सकते हैं उन घरों से निकलें और अपना एक प्रत्याशी, जो भी उनका प्रत्याशी हो उसको जरूर इस मत दें ताकि जो ये पर्व है वो अधूरा ना रहे और इसमें आपका पार्टिसिपेशन जरूर हो।